हेलो, वेलकम टू इकता होमफूड। तो आज ना मैंने बनाया है आपके लिए ये मसूर दाल और मेथी का चीला। बहुत ही यमी बना है। कलर तो आप देख ही सकते हैं कि कितना फैसिनेटिंग है। साथ में सांभर है, चटनी है। चटनी की रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हैं। सांभर तो काफ़ी लोग बना लेते हैं, फिर भी एक अच्छी सी रेसिपी मैं सांभर की ज़रूर डालूंगी आपके लिए। और ये जो है, लेकिन मेन आज जो है मैंने ये मसूर दाल और मेथी के चीले की रेसिपी बनाई है, तो आप ज़रूर देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिए रेसिपी, ताकि मुझे आप बता सकें कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे मसूर दाल और मेथी के पत्तों का चीला। हेलो, वेलकम टू इकता होमफूड। तो देखिए कि हम बनाएंगे आज मसूर दाल का चीला। मसूर दाल और मेथी, ये हमने लिए मसूर दाल। ये मसूर दाल हमने लिए 100 ग्राम, यानी कि 4 मुट्ठी। अपने आप हाथ से देखें इस तरह, तो ये 4 बार हमने लिए। ये है 4 मुट्ठी मसूर दाल। और ये है हमारी 50 ग्राम करीब मेथी। आप पालक भी ले सकते हैं, मेथी भी ले सकते हैं, नहीं भी लेना तो नहीं भी ले सकते। और ये हमने 3-4 हरी मिर्ची ले ली, जो आपके स्वाद अनुसार। ये हमने नमक लिया, वो भी स्वाद अनुसार। और ये हमारा तवा रेडी है, उसमें आलू लगा सकते हैं हम प्याज की जगह। अगर प्याज ना हो घर में तो आलू से भी आप तवे को इस तरह से ग्रीस कर सकते हैं। वो भी हमने गैस ऑन नहीं करी है। और ये हमने घी लिया है, क्योंकि घी में ही मैं चीज़ें बनाती हूँ, तो आई लव टू यूज़ घी। तो ये जो है दाल को हमने क्या किया, ये दाल ना भिगोने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इस तरह से भिगो के रखी हुई थी। करीब 1.5-2 घंटे ही इसको भिगाना, बस उतना ही बस ठीक है। 2 घंटे मैक्सिमम आप भिगा दीजिए। मसूर दाल की यही खासियत है, ये देखिए कच्ची वाली है और ये भीगी हुई वाली दाल है। और बहुत अधिक बढ़िया से ये 2 घंटे में अच्छी तैयार हो जाती है। तो ये भीगी हुई दाल का हम पानी निकाल के इसको हमने मिक्सी एक ले रखी है। मिक्सी में हम ये दाल भीगी हुई और ये पत्ते मेथी के और साथ में मिर्ची और नमक सारा एक साथ डाल के हम जो है इसको पीस देते हैं। ये दाल का आप पानी निकाल दीजिए। ये दाल हमने मिक्सी में डाल दी। ये हरी मिर्च भी हम डाल देंगे और जितनी मेथी हमने ली थी वो भी हम पूरी मिक्सी में इस तरह से मेथी भी डाल देंगे और साथ ही नमक भी डाल देंगे, ताकि नमक की वजह से जो होता है थोड़ा पानी जो पत्ते छोड़ते हैं अपना वो भी रहता है। लेकिन पीसने के बाद आप टेस्ट करिएगा नमक कैसा है। और पानी भी अगर और चाहिए होगा तो हमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कम ही है मॉइस्चर। तो थोड़ा सा पानी हम पहले डाल देते हैं, जैसे कि ये कटोरी में आपको हमेशा दिखाती हूँ, तो ये आधी कटोरी से ज़्यादा मैंने पानी लिया और ये हम डाल देते हैं। अगर और चाहिए होगा तो थोड़ा पीसने के बाद में फिर देखते हैं। इसमें आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप कोई भी अदरक लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर खाते हैं लहसुन तो ठीक है, नहीं है तो खाली अदरक भी ऐड कर सकते हैं या बिना अदरक लहसुन के भी बना सकते हैं। ये हमने पीस लिया है, देखें कैसा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैंने सिर्फ आधी कटोरी पानी डाला था, बाकी मेथी का पानी और जो दाल भीगी हुई थी उसका मॉइस्चर में ये बहुत बढ़िया सा बैटर बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको पतला लगे थोड़ा, तो आप उसमें हमेशा थोड़ा सा बेसन या आटा ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किचन में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डू दैट। कभी भी कोई चीज़ जैसे डोसा या जिस भी चीज़ का डोसा बनाए, अगर वो चिपक रहा है तवे पे, तो आप उसमें हमेशा थोड़ा सा एक करछी आटा ऐड कर दीजिए, नॉर्मल गेहूं का आटा, तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और अगर कोई अंडा खाता है तो उसमें एक अंडा फोड़ दीजिए, तो वो भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये मैंने दोनों ये ढक्कन में से भी और मिक्सी में से भी अच्छे से ये रबर स्पैचुला से निकाल दिया। और इसको आप एकदम तुरंत बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलवेज अगर आप 10 मिनट इसको थोड़ा ढक के छोड़ दें तो अच्छा होगा। तो मैं भी वही करती हूँ कि इसको ढक के छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर किसी को मेथी नहीं पसंद है तो आप ना डालें, क्योंकि मेथी से कड़वा नहीं आता लेकिन एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जिनको पसंद है उनको अच्छा लगता है। जैसे मुझे ये मेथी का जो फ्लेवर आप देखेंगे ना जब आप इसको पीसेंगे, बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये हमारे 5-10 मिनट हमने इसको रख दिया था। भाई प्लेट तैयार है, बिकॉज गरम गरम तो खाएंगे ना हम। और ये हमने तवा जो है गैस ऑन कर दिया, ऊपर प्याज या आलू से इस तरह से थोड़ा सा आप ज़रूर ग्रीस कर लीजिए, ताकि ये चिपकता नहीं है कोई भी डोसा। और साथ में मैंने थोड़ी अजवाइन भी ली है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अजवाइन से थोड़ा कहता है कुछ चीज़ गैस करने वाली तो नहीं होती है। और ये तो वैसे गैस करने वाली चीज़ है भी नहीं, लेकिन अच्छा आता टेस्ट। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ी सी जीरा भी ऊपर से डाल सकते हैं। जीरा आप पीसते समय भी डाल सकते हैं, बस आपने इस तरह से लेना है। डिपेंड करता है आपको कितना मोटा पतला चाहिए। और इस मसूर दाल के चीले की खास बात यह होती है ना, ये बहुत आसानी से फैल जाता है और आसानी से ये कुक भी हो जाता है। टूटने उठने का चांस नहीं था, पर हमने क्योंकि मेथी डाली है तो थोड़ा हमें जो है इसका ध्यान रखना होगा। और थोड़ी सी हम अजवाइन इस तरह से ऊपर डाल देंगे। अजवाइन तो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू पुट सम गुड थिंग्स। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए। और ये हमने जो घी लिया है,
ये साइड साइड जो है इसके हम इस तरह से घी चीले के साइड में और थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। ऐसे आप नॉन स्टिक पर डालने बनाए तो ज़रूरत नहीं है डालने की, अगर आप खाते हैं घी पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाहे तो आप ऊपर से कुछ ग्रेटेड कैरेट या कुछ कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मेथी और दाल है ठीक है उतना बहुत है, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो चीज़ आप बनाएंगे उसमें आप सब्जियां वगैरह डाल सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही इजी तरीका था कि सुबह सुबह अगर आप उठे तो आप दाल ये वाली भिगो दें, इवन मूंग दाल जो पीली वाली होती वो भी 1.5-2 घंटे में भीग जाती है, और मसूर दाल जो ये है रेड वाली ये भी इसी तरह से हो जाती है। इन दोनों की खासियत ये है कि इसका चीला वगैरह बहुत अच्छा बनता है। और इसको मैंने एक वीडियो बनाई है बेसन और पालक के पनिहार की, पड्डू की, अप्पे जैसे बोलते हैं वो, अप्पे पैन में। ये इस बैटर में भी आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के या इनो डाल के आप अप्पे पैन में भी बहुत अच्छे से इसके अप्पे बना सकते हैं। तो ये आप नीचे से जब ये कुक हो जाए तो आप इसको एक बार पलट दीजिए इस तरीके से। कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है, मैं हमेशा बताती हूँ कुछ भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दाल वगैरह में आप बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा बीटरूट का ग्रेट करके डाल दीजिए तो उसका रंग चेंज जाता है। अगर आप मेथी की जगह बीटरूट डाल दीजिए, और अगर इसके साथ ही डालना चाहते हैं तो थोड़ा ग्रेट करके बीटरूट या कैरेट भी डाल सकते हैं। आपको इसको मीडियम गैस पे ही कुकिंग करनी है, ज़्यादा तेज भी ना करें ज़्यादा धीरे भी ना करें, और अलटा पलटा के दोनों तरफ से बढ़िया सी कुकिंग इसको आप कर लें। ये देखिए ये हमारा मूंग दाल और मसूर दाल का और मेथी का चीला बनके तैयार है। बहुत ही सुंदर इसका रंग आया है। बस इसी तरह से हमने और भी चीले बना लेने, तो जितना मैंने आपको मेजरमेंट बताया है उसमें करीब 4 चीले आराम से मीडियम साइज के बन जाएंगे। ये वही अजवाइन हमने ऊपर से डाल दी और ज़रा सा घी जो है साइड से हम डाल देते हैं। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चीले में घी डालें, दूसरे में ना डालें, फिर तीसरे में डालें, चौथे में डालें, ताकि तवे में ग्रीस रहती है और आपका जो है फैट कंटेंट, फैट इंटेक भी कम होता है। और एक टिप और है कि जब भी आपको पलटने का टाइम कैसे पता चलेगा, ये जो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ऊपर का भाग चीले का दिख रहा है, ये पूरा थोड़ा सा फेड हो जाना चाहिए। मतलब ये जो डार्क ग्रीन था पहले, और जैसे ये देख सकते हैं बैटर कैसा था, और ये जो है अभी थोड़ा फेड होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब सब तरफ से ये नीचे से पक गया है, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं हर तरफ से ये फेड सा हो गया है, अभी गाढ़ा रंग नहीं है, तो मतलब नीचे से ऑलमोस्ट पक गया है। और आराम से ये जो पलता होता है इससे आपने इसको पलट देना है। आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर से भी थोड़ा घी लगा के इसको पलट पलट के अच्छे से सेक सकते हैं। बस इसी तरह से आप जितने डोसे आपको चाहिए बना लीजिए, जितना मेजरमेंट है उसमें 4 तो बन ही जाएंगे। अगर आपको 2 बनाने हैं आप 2 बनाइए, बाकी बैटर को आप फ्रिज में या टाइट कंटेनर में रख दीजिए, अगले दिन यूज़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा दिन ना रखिए, एक दिन ठीक है, ऐसे वाले बैटर एक आध दिन आप फ्रिज में रखिए और बस उसको बनाइए। तो ये मैं आज 2 ही बनाती हूँ आपके लिए, बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो ये हमारे प्लेट रेडी है नाश्ते की, 2 डोसे, थोड़ा सांभर और चटनी। तो बढ़िया सा न्यूट्रिशन जो है बिल्कुल रेडी है मॉर्निंग के लिए। आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने अच्छा खाया। तो ये जो चीज़ें हैं आप मेरा चैनल देख के ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो नई नई मेरी रेसिपीज है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अच्छे से न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट या फिर डिनर या लंच के साथ मेरी अगली रेसिपी में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड।